Now the topic is diazotization reaction, the most important reaction. In diazotization reaction, what happen? We obtain benzene diazonium salt. एक benzene diazonium salt बनता है. कैसे बनता है वो देख रहे हैं आप. It is the method for preparation of benzene diazonium salt. When aniline in ice cold condition react with ammonium sodium nitrite and HCl at 273 to 278 Kelvin. ये जो important condition है इसके लिए कि benzene diazonium salt बनता है. कहां से बनता है? Aniline से. जब aniline को ice cold condition दी जाएंगी और इसके साथ sodium nitrite और HCl जो है वो मिलाया जाएगा at 273 to 278 Kelvin temperature पर. अब देखते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट और HCl जब मिलाते हैं, अमोनियम नाइट्रेट और HCl, ये देखेंगे सोडियम नाइट्राइट, अमोनियम नहीं, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, तो यहां से NaCl निकल जाएगा बाहर और हमारे पास हाइपो सॉल्यूशन बनेगा HONO. HONO का हाइपो सॉल्यूशन बन रहा है. अब क्या है कि इस सॉल्यूशन को अगर हम एनिलीन ले, ये एनिलीन है, अगर इसको HONO के साथ HCl की प्रेजेंस में एक्सेस ऑफ HCl डालेंगे 273 टू 278 केल्विन, जिसको आइस कोल्ड कंडीशन में बोलते हैं, के ऊपर रिएक्ट करवाया जाता है तो ये डायरेक्ट बना देता है. ये देखेंगे ध्यान से, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस 2H2O, चार हाइड्रोजन, यानी कि दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तीन और एक हाइड्रोजन चार, और दो ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, 2H2O वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है. और ये जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है, इस जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. इससे बहुत सी रिएक्शन जो है वो सॉल्व होती है. बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा हुआ है, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कि डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या है. डाइजोटाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है इन विच द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिलीन एट आइस कोल्ड कंडीशन व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद HONO हाइपो सॉल्यूशन इन द एक्सेस ऑफ HCl, इट विल फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड.